हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मिशन एनडीए 2022। इस मिशन की शुरुआत हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से, और उस ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है जिसमें बोला गया साइन थीटा -1/2 के इक्वल है और टेन थीटा 1/√3 के इक्वल है, तो थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। हम हर क्वेश्चन के पीछे जो कॉन्सेप्ट होगा उसको जरूर सीखेंगे, तो आपको याद रखना होगा कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। उसके लिए ट्रिक याद रखना है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये आपको याद रखना है। ऑल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, स्कूल मतलब साइन और उसका भाई कॉसेक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकेंड में पॉजिटिव होगा, और टू फॉर टेन, और टेन का उल्टा क्या हो जाएगा कॉट, ये पॉजिटिव, और यहाँ सी फॉर कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, ये पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो आपसे बोला गया साइन नेगेटिव और टेन पॉजिटिव, तो साइन नेगेटिव और टेन पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट में हो जाएगा, थर्ड, क्योंकि टेन इसमें पॉजिटिव होता है और साइन क्या होता है इसमें नेगेटिव, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें बोला गया है साइन थीटा +cos थीटा अगर 2√2 cos थीटा के इक्वल है, तो साइन cos थीटा -sin थीटा किसके इक्वल होगा। तो सिंपली हम पहले कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, बहुत ज़्यादा ट्रिक की ज़रूरत नहीं, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। तो इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा sin²θ + cos²θ + 2 sin θ × cos θ, इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाए 2 cos²θ, ये तो 1 ही हो जाएगा, तो हमारे पास 2 sin θ × cos θ की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो ये 1 हो गया और ये हो गया 2 cos²θ − 1, ये आ गया। फिर इसकी वैल्यू निकालनी, तो हमें इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, तो cos θ − sin θ का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा cos²θ + sin²θ − 2 sin θ × cos θ। अब इसकी तो वैल्यू 1 ही होती है, माइनस है इसकी वैल्यू, हमने ये निकाल के रखा हुआ है कितना है 2 cos²θ − 1, तो ये माइनस मानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 2 हो जाएगा, −2 cos²θ, 2 कॉमन ले लीजिए क्या आ जाएगा 1 − cos²θ, और 1 − cos²θ क्या होता है sin²θ, तो ये आ जाएगा 2 sin²θ, और हमें तो क्या निकालना है cos θ − sin θ, तो स्क्वायर क्या आ जाएगा रूट में बदल जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा √2 sin θ, क्या होगा इसका राइट आंसर जो कि थर्ड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जिसमें बोला cosec θ − cot θ p के इक्वल है, 1/cosec θ + cot θ q के इक्वल है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही आपको ये बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, हम जानते हैं कि cosec²θ − cot²θ ये किसके इक्वल होता है 1 के, इसमें आइडेंटिटी लगा देते हैं a² − b², तो ये हो जाएगा cosec θ + cot θ इंटू में cosec θ − cot θ = 1, इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखा है उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/q, इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखा है p = 1, तो ये क्या हो जाएगा p = q, हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला है व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस, चार ऑप्शन दे रखे 0, 1, 2 एंड 4, तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत टाइम जाएगा आपका, कोई क्राइटेरिया नहीं दे रखा अल्फा बीटा को लेके, तो आप सिंपली क्या करो अल्फा बीटा दोनों को क्या ले लो 0 डिग्री, सबसे आसान तरीका, और भी एंगल ले सकते हो लेकिन 0 सबसे आसान है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 10 0 क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 1 0 इसका स्क्वायर प्लस 0 − 0 0 का स्क्वायर, sec 0 होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, ये भी 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 − 1, आंसर क्या आ जाएगा 0 जो कि फर्स्ट ऑप्शन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है sin²θ अगर cos³θ के इक्वल है तो sin θ की वैल्यू क्या होगी, ये चार ऑप्शन दे रखा है। हर क्वेश्चन से हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, ये क्वेश्चन नहीं है, हर क्वेश्चन हमें कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट सिखा के जाएगा, तो इस क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि sin θ1 अगर cos θ2 के इक्वल है तो θ1 + θ2 किसके इक्वल होगा 90 डिग्री के इक्वल होगा, तो यहाँ पे sin θ1 cos θ2 के इक्वल है, तो 2θ + 3θ किसके इक्वल होगा
90 के, तो 5 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 90 के, तो थीटा कितना आ जाएगा 18 डिग्री। और साइन 18 डिग्री की जो वैल्यू है आपको रट के रखना होगा वो था रूट 5 माइनस 1 बाई 4 जो के सेकेंड ऑप्शन में दे रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें बोला गया है इसकी वैल्यू निकालना हमारे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें हमें दे रहा cos 46 cos 47 cos 40 एंड सो ऑन कहां तक cos 130 डिग्री की क्या वैल्यू होगी। देखिए बिल्कुल हलवा क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, इसके बीच में कहीं ना कहीं क्या होगा cos 90 होगा और cos 90 क्या होता है जीरो, तो ये पूरा आंसर क्या आ जाएगा जीरो सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे tan 75 प्लस cot 75 डिग्री की वैल्यू पूछा गया, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं और जो वैल्यू आएगी इसका रेसिप्रोकल करके tan 75 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो tan 75 की वैल्यू निकालने के लिए हम इसे लिख सकते हैं tan 45 प्लस में 30, और tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होगा, tan a यानी कि tan 45 प्लस tan b यानी कि tan 30 अपॉन में 1 माइनस tan 45 इंटू में tan 30। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, tan 30 की वैल्यू 1 बाई रूट 3 अपॉन में 1 माइनस 1 बाई रूट 3, सिंप्लीफाई कर देते हैं रूट 3 प्लस 1 अपॉन, ये तो अपॉन वाला कट ही जाएगा, रूट 3 माइनस 1, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं रूट 3 प्लस 1 अपॉन में रूट 3 प्लस 1, ऊपर हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये हो जाएगा, और अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 प्लस में 2 रूट 3 अपॉन में 2, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस रूट 3, ये आ गया 2 प्लस रूट 3 इसकी वैल्यू आ गई। के बाद कॉट 75 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका उल्टा कर देंगे 1 अपॉन में 2 प्लस में रूट 3, से रेशनलाइज कर देंगे 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 2 माइनस रूट 3, तो ये हो जाए 2 माइनस रूट 3 अपॉन में ए स्क्वायर 4 माइनस 3 क्या जाए 1, ये कॉट 75 की वैल्यू हो जाएगी, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या जाएगा 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपसे, कॉस ए की वैल्यू दे रखा 3 बाई 4 और साइन ए बाई 2 इंटू साइन 3 ए बाई 2 की वैल्यू हमसे पूछा गया है, तो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना होगा, साइन एक्स इंटू साइन वाई की आइडेंटिटी याद रखनी होगी जो कि होता है 1 बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, ये छोटी सी आइडेंटिटी आपको याद रखनी होगी, तो इसको हम क्या लिख देंगे 1 बाई 2 कॉस, एक बार माइनस करेंगे तो a बाई 2 में से अगर हम 3a बाई 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 एलसीएम हो जाएगा, माइनस का 2a हो जाएगा यानी कि माइनस का a हो जाएगा, अब कॉस माइनस को खा जाता है तो सिर्फ a ही लिखाएगा, और माइनस का अब जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो ऊपर 2 आ जाए 4a हो जाएगा, 4a बाई 2 क्या आ जाएगा 2, यानी ये हो जाएगा कॉस 2a। अब आपको 1 बाई 2 पता है, कॉस a की वैल्यू पता है, और cos 2a को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, इसका हाफ एंगल फार्मूला भूलना नहीं है, cos 2a का हाफ एंगल फार्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब आपको सारी वैल्यू पता ही है, cos a की वैल्यू कितनी है 3 बाई 4 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस का 2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 बाई क्या आ जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2, इसे ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 4 और ये 7 बाई 4 और ये हो गया कितना कट के 9 बाई 8, एलसीएम ले लेते हैं तो 1 बाई 2 ये हो जाएगा 8 एलसीएम हो जाएगा 14 माइनस 9 ये हो जाएगा 5, आंसर आ जाएगा 5 बाई 16 जो कि सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू पी दे रखी है, तो कॉस स्क्वायर 2 अल्फा क्या होगा ये पूछा गया, सिंपल इसे क्या कर देते हैं स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा पी स्क्वायर, ये तो 1 हो गया और 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या होता है साइन 2 अल्फा, तो साइन 2 अल्फा की वैल्यू आ गई पी स्क्वायर माइनस 1। अब ध्यान से देखिए, अब आपको निकालना क्या है कॉस स्क्वायर 2 अल्फा, तो पहले क्या कर सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 2 अल्फा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फा, तो 1 माइनस ये रहा साइन 2 अल्फा की वैल्यू,
तो पी स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर कर देते हैं, तो वन माइनस इसका होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, पी की पावर फोर प्लस में वन माइनस का टू पी स्क्वायर, ये आ जाएगा अंदर कर देता है, वन माइनस पी की पावर फोर माइनस वन प्लस में टू पी स्क्वायर, वन से वन कट जाएगा, पी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा टू माइनस पी स्क्वायर, जो कि थर्ड ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, कॉस थीटा माइनस अल्फा ए है, कॉस थीटा माइनस बीटा बी है, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी। देखो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस बीटा और माइनस का ऐसे करके थीटा माइनस अल्फा, इस तरह लिख सकते हैं। देखिए ओवरऑल ये अल्फा माइनस बीटा ही लिखा हुआ है, इसको माइनस करेंगे अंदर ले जाएंगे तो थीटा थीटा कट जाएगा और ये प्लस का अल्फा हो जाएगा, तो ये ओवरऑल अल्फा माइनस बीटा ही लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको ए मान लेंगे या इसको बी मान लेंगे, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए यानी के दिस इंटू कॉस बी यानी के थीटा माइनस अल्फा, और माइनस है तो बीच में क्या आएगा प्लस, साइन ए यानी के थीटा माइनस बीटा और साइन बी यानी के थीटा माइनस अल्फा, बस आ गया। इसकी वैल्यू कितनी थी ए, इसकी वैल्यू कितनी थी बी, अब प्लस में इसकी वैल्यू हमें पता है और हमें साइन निकालना था, वो क्या होगा अंडर रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर यानी के बी स्क्वायर, और कॉस की वैल्यू पता है और साइन की वैल्यू पता है, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है ना साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन, तो साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होगा वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स किसके इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर, उसी तरह से कॉस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर, वही चीज़ मैंने किया है, तो साइन निकालना है और हमें कॉस पता है तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। कौन से ऑप्शन में, ये देखिए ए इंटू बी प्लस ये फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, फर्स्ट ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, लिखा हुआ है 1045 डिग्री कैन बी एक्सप्रेस एज, ये चार ऑप्शन दे रखा है, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं 1054 डिग्री को लिख सकते हैं, 1045 प्लस में 9 है, इसमें 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, 10 ए यानी कि 1045 1 प्लस 10 बी यानी कि 109 अपॉन में 1 माइनस 10 ए 10 बी यानी 1045 1 इंटू में 10 बी यानी कि 109, तो ये हो जाएगा 1, ऐसे लिख देंगे साइन 9 अपॉन में कॉस 9 और ऐसे लिख देंगे 1 माइनस साइन 9 अपॉन में कॉस 9, सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो कॉस 9 प्लस में साइन 9, नीचे वाला कॉस कट जाएगा, कॉस 9 माइनस का साइन 9, ये होगा आंसर, जो कि कौन सा ऑप्शन दे रखा है कॉस 9 प्लस साइन 9 अपॉन कॉस 9 माइनस साइन, ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, चार ऑप्शन दे रखा है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, जो 90 से कम एंगल उसको छेड़छाड़ मत करो, एज इट इज लिख दो, और जो 90 से उसको बदलो, कॉस इसको लिख सकते हैं हम 180 प्लस में 56 माइनस, इसको मत छेड़छाड़ करो, उसी तरह इसे हम लिख सकते हैं 90 प्लस में 34 अपॉन में, इसे छेड़छाड़ नहीं करना क्योंकि 90 से कम है, इसे भी छेड़छाड़ मत करो, ये भी 90 से कम है 88, इसे बदलो, कॉस इसे हम क्या लिख सकते हैं 90 प्लस में 88 आइन टू में, इसे लिख सकते हैं साइन 180 प्लस में 28 लिख सकते हैं, अभी हो जाएगा साइन 34 और कॉस 180 प्लस थीटा जो होता है वो माइनस का कॉस थीटा होता है, तो माइनस का कॉस 56 हो जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, माइनस साइन 56 और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा ही होता है, तो कॉस 34 अपॉन में कॉस 28 इंटू कॉस 88 और ये क्या हो जाएगा प्लस का साइन 90, कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, तो माइनस साइन ही हो जाएगा, और उसके बाद साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है माइनस का साइन 28, ये हो जाएगा माइनस से माइनस ये प्लस है, ऊपर माइनस कॉमन लेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी का, तो साइन 34 प्लस में 56
और नीचे फॉर्मूला बन जाएगा cos a माइनस बी का, यानी कि cos 88 माइनस 28, तो ऊपर हो जाएगा sin 90 1 और cos 60 1 बाई 2, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 2, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला है, अगर cos अल्फा और cos बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो sec अल्फा इंटू sec बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हम जानते हैं सम ऑफ रूट क्या होगा, cos अल्फा प्लस cos बीटा, ये हो गया सम ऑफ रूट, ये होता है माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पर तो b वाला टर्म है ही नहीं, जीरो। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, cos अल्फा इंटू cos बीटा किसके इक्वल हो जाए, c बाई ए, c कितना माइनस 3/4, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/ में, इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/ में sec अल्फा, ऐसे लिख सकते हैं 1/ में sec बीटा इज इक्वल टू माइनस 3/4, तो sec अल्फा इंटू में sec बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस 4/3, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमें सॉल्यूशन निकालना है cosec x plus cot x equal to root 3 का, यानी हमें x की वैल्यू बताना है। याद रखना cosec x plus cot x अगर root 3 है तो cosec x minus cot x की जो वैल्यू आएगी ये इसका रेसिप्रोकल आएगा 1/√3, दोनों को ऐड कर देते हैं तो 2 cosec x किसके इक्वल आ जाएगा, root 3 plus 1/√3, तो 2 cosec x किसके इक्वल आ जाएगा, ये हो जाएगा 4/ में रूट 3, ये 2 से 4 कट जाएगा, तो साइन एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, रूट 3/2। और आपको पता होना चाहिए कंप्लीट साइकिल में साइन दो बार पॉजिटिव होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी π/3, और साइन एक बार पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या लिखा जाता है, π - π/3, तो एक्स की दो वैल्यू आ जाएगी, एक तो आ जाएगी π/3 और एक हो जाएगी 2π/3, जो कि सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है, सेकेंड ऑप्शन का। देखिए हमारे पास NDA 2018 का एक क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है 3 × 3 माइनस 10² माइनस cot स्क्वायर, cot a का होल स्क्वायर 1 के इक्वल है, तो एंगल a क्या होगा, तो हम सिंपली क्या कर लेते हैं, ऑप्शन में से पुट कर लेते हैं, a को जल्दी अगर 300 डिग्री ले लेते हैं तो 10 300 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं 360 - 60, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का 1060, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे माइनस 1060 की वैल्यू को जाए √3, अब यहाँ पे पुट कर देते हैं तो 3 और ये हो जाएगा 3 माइनस, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा, तो ये आ जाएगा 3, अब माइनस कॉट जो होगा 10 की वैल्यू का क्या होगा, उल्टा, तो 10 की वैल्यू अगर माइनस का √3 तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से देखिए इससे कट गया और ये हो गया 3 और ये भी आ गया 1/3, ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब यही क्या होगा, हमारा ऑप्शन होगा। देखिए NDA 2018 सेकेंड एटम का एक क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास बोला है sec थीटा माइनस अल्फा, sec थीटा और sec थीटा प्लस अल्फा AP में है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर थीटा का कोई क्राइटेरिया नहीं है और थीटा को अगर हम 0 और अल्फा को भी अगर हम 0 डालते हैं तो यहाँ पर क्या रहा है, sec 0 जो कि 1 होता है, sec 0 1, यहाँ भी sec 0 1, 1 1 1 AP में होता है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि 0 और अल्फा और थीटा 0 पर ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो अब यहाँ पर थीटा 0 डाल देंगे और अल्फा 0 डाल देंगे, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 0 प्लस में cos 0, साइन 0 0 cos 0 1, आंसर क्या आ जाएगा 1, सेकेंड ऑप्शन।